गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, 11th क्लास आज हम बोर्ड की कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्कस करेंगे। कल हमने बोर्ड की डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस की थी, आज हम बोर्ड की कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज मोड निकालेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन देखे हैं आपका क्लास अंतर्गत, ठीक है, उसके साथ साथ आपका फ्रीक्वेंसी उसके बाद आपका आपका पोर्शन दिया गया। अब यहाँ पर क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये दो क्वेश्चन जो कॉलम है आपके, ये आपको गिवन होंगे और उसके बाद जितना भी आपका ग्रुप है वो सब आपको क्रिएट करना होगा। तो पहली चीज यहाँ पर हम क्लास इंटरवल शो करते हैं 10 to 15, 15, 20 हमारे सामने ये क्लास इंटरवल दिया गया है। इस क्लास इंटरवल को आप 2 इसकी फ्रीक्वेंसी 10, 3, 8, 4 ये फ्रीक्वेंसी हमने ली है। अब आप कॉलम बनाइए 2, 2, 12 किसी भी लगे छोड़ दीजिए। अब हम यहाँ पर 1 लेफ्ट यानी कि इस 2 को लेफ्ट करिए और 10 प्लस 3 30, ठीक, उसके बाद आपका 8 प्लस 4 12, ठीक, उसके बाद आप 3 का कॉलम 2, 10 और 3 कॉलम आपके पास, तो 2 प्लस 10 12 प्लस 3 15, आप इसको मिडिल लीजिए 15। लेकिन यहाँ पर 2 पोर्शन रह गए, इस 2 नंबर का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर 3 का ग्रुप है। अब 1 लेफ्ट कर दीजिए 3 10 3 8 10 3 8 10 3 8, कितना हो गया 21। 2 लेफ्ट 3 का कॉलम फिर से स्टार्ट करिए और लास्ट 4 पर छोड़िए 3 8 4, कितना हो गया 15 हो गया। अब आप टैली बार को लगाइएगा तो यहां पर ये देखिए टैली बार कौन सा है। यहाँ पर सबसे बड़ी फिगर F में 10 है, 10 के सामने आप एक टैली बार लगा दीजिए, ठीक, उसके बाद आप इन दोनों फिगर में 12 लार्ज है, 12 किससे मिलकर बना है 2 और 10, एक बार आप टैली बार लगाइए 2 में, एक बार लगाइए 10 में, उसके बाद 13 और 12 कॉलम में है, 13 में लार्ज बड़ा है, लार्ज फिगर है, किसे मिलकर बना है 10 से और 3 से, तो एक बार 10 के कॉलम में, एक बार 3 के कॉलम में लगा दीजिए,
ठीक। उसके बाद 15 सिंगल है तो ये 15 के सिंगल बना है, 2 10 और 3 से, तो एक बार 2 में, एक बार 10 में, एक बार 3 में हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप 21 जो है ये किससे मिलकर बना है, 10 3 और 8 से, ये देखिए 10 3 और 8 ठीक। उसके बाद 15 अकेली फिगर है इसके अंदर, 15 किससे मिलकर बना है, 3 8 और 4 से, तो एक कॉलम 3 के अंदर 1 पहली बार, 8 के अंदर और फिर 4 के। ये आपका टैली बार का जो पोर्शन है ये आपका फिनिश हो गया। अब टैली बार जो लगाया है हमने, हम उसके काउंटिंग करते हैं कि कितने टैली बार हमने एक कॉलम में लगाए हैं, 2 5 4 2 1 ठीक है। अब आप ये देखिए टोटल ऑफ टैली बार में जो 1 2 4 5 है, इसमें सबसे बड़ी फिगर है आपकी 5 ठीक है। इस 5 के बिल्कुल सामने आपके पास कौन सी रेंज आती है, ये रेंज आती है आपके पास ठीक। जब ये रेंज जाएगी तो आपका L1 ठीक है, ये F1, ये F0 और ये F2 ये हो जाएगा। देखिएगा L1 जो है वो आपका L1 15 I difference 5 का, ये F1 है इसी के सामने, इससे पहले वाली फिगर F0 है, इससे नीचे वाली फिगर F2 है ठीक है। तो यहां पर हमें 5 चीजों की जरूरत होती है, L1 I F0 F1 F2 हमने वो चीजें जो है यहाँ आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब हम इसको Z को सॉल्व करते हैं, देखिए Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये फॉर्मूला हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सब चीजें अवेलेबल है, F0 भी, F1 भी, F2 भी, I भी, L1 भी ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए, L1 कितना है 15, F1 माइनस F0 10 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई I डिफरेंस कितना है 5 ठीक। तो ये इसे हम जो है अब सॉल्व करेंगे ठीक। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप थोड़ा सा इसे रख कर लीजिए, यहीं पर आपका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा ठीक। देखिएगा 15 प्लस 8 अपॉन 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 देन 15 प्लस 8 5 का 40 15 जेड इक्वल्स टू 15 प्लस 15 डिवाइड कीजिए डायरेक्टली 40 को ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से आप सिंगल फिगर ऐसी है इसके लास्ट में 0 और 5 होता है, वो 5 से डिवाइड हो जाती है, 5 बटा 40 5 बटा 15। अब आप इजीली 8 को 3 पर रख सकते हैं, तो 3 टू द 6 और 8 तो जेड इक्वल्स टू इसमें प्लस करिए इसको 17.67 ये आपका आंसर आ गया ठीक है। अब ये आंसर आपका करेक्ट है
या नहीं है इसको आप रीचेक कर सकते हैं। जैसे 17.67 जो है वो हमारे पास जो रेंज आई थी वो 15 और 20 के बीच में, अगर आपका आंसर आ रहा है इस रेंज के बीच में तो आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर 15 से कम या 20 से ज़्यादा आपका आंसर आ रहा है, इस रेंज से कम या इस रेंज से ज़्यादा आंसर आ रहा है, तो वो आपका जो आंसर है वो आपका रॉन्ग। आप उसे रीचेक करिएगा और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने तीनों चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, मोड इंटीग्रल सीरीज का भी, मोड डिस्क्रीट सीरीज का भी और मोड कंटीन्यूअस सीरीज का। यहाँ हमारे सामने कितने क्वेश्चन पूरे हुए, मीडियन तीनों सीरीज का, क्वार्टाइल तीनों सीरीज का, मोड तीनों सीरीज का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे, इसे हम एक्स बार भी बोलेंगे।